हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आई हूँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन में। और ये झारसुगड़ा में लगा है। जो भी झारसुगड़ा के आसपास रहते हैं वो ये एग्जीबिशन में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या स्टॉल्स लगा है और कहाँ कहाँ से सामान यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी स्टेट से यहाँ पे सब सामान लाके, प्रोडक्ट्स लाके यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और ये है बनारस का, और ये देखिए बनारसी साड़ी, बंगाल, बिहार और यूपी सभी जगह से यहाँ पे सामान लाके सेल किया जा रहा है। और सारे स्टॉल्स अभी भी ओपन नहीं हुए हैं, कुछ दिनों बाद आई होप ओपन हो जाएगा। और ये है बैग्स, ये है शांति निकेतन का, सारे बैग्स है, बंगाल से आया हुआ है। और काफ़ी ड्रेस मटेरियल्स भी है और रेडीमेड ड्रेसेस भी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जेंट्स के लिए भी काफ़ी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, शर्ट्स, कुर्तीज़ वगैरह भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी100। और मेरा फेसबुक पेज है सेंस नेस्ट। टैटू शॉप्स से लेके बच्चों के खिलौने से लेके आर्टिफिशियल ज्वेलरी और सोफ़ा कवर्स, कुशन कवर्स से लेके चप्पल से लेके और अचार, पापड़, ये सब के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। कुछ ख़ास नहीं लगा ये एग्जीबिशन, क्योंकि सारे स्टॉल्स अभी भी ओपन नहीं हुए हैं, इसीलिए हमने यहाँ से कुछ भी परचेस नहीं किया और यहाँ से हम लोग सीधा निकल के दूसरी जगह जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। और वहाँ से निकल के हम लोग आ गए राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट के एग्जीबिशन में। यहाँ पे देखते क्या क्या है। यहाँ पे है सारे बंजारा मार्केट का सब लगा हुआ है, पॉटरी आइटम्स, बहुत ही ब्यूटीफुल गमले हैं, पॉट्स हैं यहाँ पे, प्लांटर्स हैं और क्रॉकरीज भी है, कप्स भी है, टी पॉट्स है, काफ़ी ब्यूटीफुल आइटम्स है जो कि एक ही बार में आपको एकदम पसंद आ जाएगा। और यहाँ पे चिकनकारी की एक शॉप है, बहुत ही अच्छे अच्छे कुर्ते यहाँ पे रखे हुए हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस है, बहुत अच्छा लगा देख के। इसके पहले भी मैंने यहाँ से परचेज़ किया था और मैं एक कुर्ती को यूज़ भी की हूँ, ऑरेंज कलर की, भुवनेश्वर में मैं उसे यूज़ की हूँ, पहनी हूँ, आपने देखा होगा मेरा प्रीवियस ब्लॉग्स। अगर आपने नहीं देखा देन प्लीज़ चेक इट आउट, भुवनेश्वर ब्लॉग प्लेलिस्ट में है और मैं आई बटन पे भी दे दूँगी।
शॉपिंग करने के बाद हम लोग डिनर लेने रेस्टोरेंट में आ गए और यहाँ पे आते ही हमें वेलकम ड्रिंक सर्व किया गया और जो कि बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हमने स्टार्टर ऑर्डर किया। स्टार्टर में हमने ऑर्डर किया चिकन लॉलीपॉप, जो कि देख के ही इतना टेम्प्टिंग लगा कि और बहुत ही टेस्टी है। मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया तंदूरी रोटी और मिक्स वेज हैदराबादी, और साथ में हमने ऑर्डर किया है पाइनएप्पल रायता, बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत इन्जॉय किया शॉपिंग और गुड फूड, और बहुत ही मज़ेदार था। और साथ में जब मम्मी हो और फ्रेंड्स हो तो और क्या चाहिए, बहुत इन्जॉयमेंट किए। कहीं भी आप घूमने जाओ मम्मी के साथ या फ्रेंड्स के साथ, बहुत ही इन्जॉयमेंट होती है। और ये एक्चुअली गर्ल्स डे आउट था तो बहुत इन्जॉय किए हम लोग, मस्ती किए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप सबको अच्छा लगा, देन प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।